बिजनौर को जाना हो तो ये हॉस्पिटल आता है और यूनिवर्सिटी आती है, यहाँ पे UMT हॉस्पिटल है। तो इसके साथ में ही आप ले लो लेफ्ट UMT के TMU हॉस्पिटल है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है। तो ये ऊपर वाला चला गया दिल्ली सीधा हापड़, हमने हापड़ नहीं जाना, हमने यहाँ से आगे नीचे लेना है, पुल के नीचे से लेनी है गाड़ी। तो सीधा बिजनौर वाले रोड पे चल जाएंगे, नूरपुर बिजनौर सीधा शामली, तो अपना मुजफ्फरनगर निकलेंगे जाकर, उधर से सीधा करनाल। ये देखो बिजनौर का बोर्ड लगा हुआ है, बिजनौर धर्मपुर, यहाँ से हमने राइट को लेना है। इस पुल के नीचे से यहाँ पे पुलिस वाले होते हैं क्योंकि बहुत जाम लगता है यहाँ पे, जाम जो बहुत लगता है, गाड़ी खराब हुई है यहाँ पे, देख सकते हो आप। निकल गई, अब ये लास्ट कार है, हम भी बढ़ाते हैं आगे, आगे बढ़ाएंगे तो ठीक है, तो यहीं पे खड़े रहेंगे। देखो 12 बजे गाड़ी खराब हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है साथ में, तो आगे में लाइटें लगा देते हैं, कोई गाड़ी आएगी तो रुक जाएगी, क्योंकि सिंगल है रोड पूरा, गाड़ी खराब हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है, खराब हो जाए क्या, जाम लग जाए तो बहुत दिक्कत होती है, खराब हो जाए तो तब भी होती है, तो जाम लग जाए तो। बढ़ा कर गाड़ी लेनी पड़ती है, नहीं तो गाड़ी उस साइड से निकलती नहीं है, आती नहीं है, टर्न ही नहीं आती, छोटा टर्न ले लोगे तो घूमेगी नहीं गाड़ी। ये देखो रास्ता, ये रास्ता साफ है वैसे, बहुत देर के बाद आए हम भी इस रास्ते पे, क्योंकि उस रास्ते से चले जाते थे, तो अभी बहुत देर के बाद इस रास्ते में आए हैं, सुनने में आया था रास्ता बढ़िया बन चुका है इसलिए आए इस रास्ते में, क्योंकि टोल बजते हैं 4-5 हज़ार के, इसलिए आए हैं इस रास्ते में। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं, ये वाला तो साफ सुथरा रोड है, आगे वाला देखते हैं क्या सर। गुड मॉर्निंग, हम पहुंच चुके हैं कैथल, अभी बजे हैं 5:30-6 बजे हैं, कैथल पहुंचे हैं, जा रहे हैं, बारिश का मौसम बना हुआ, बोर्ड लगे हुए हैं, इन बोर्डों के हिसाब से गाड़ी चलती है भाई, ये 3 नंबर वाले में ट्रक और बाकी 1-2 नंबर में बस चलती है, क्या बोलते हैं, कार चलती है, बस और ट्रक 3 नंबर में और कार जो दोनों है उनमें कार, लेकिन नहीं बताऊं तो सेंटर वाली लाइन में ट्रक होना चाहिए, या सेंटर वाली में या लास्ट वाली में, क्योंकि कार वाले कोई यहाँ से फ्लाई आ रहा है ऊपर हाईवे पे आ रहा है, कोई वहाँ पे उतर रहा है, ज़्यादा ये उतरते चढ़ते आते हैं हाईवे पे, ट्रक वाला लंबे लॉन्ग रूट पे चलता है, तो इसलिए जो कारों वाली लाइनें हैं दोनों, वो दोनों ट्रकों वाली ट्रकों की होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए कार की, ये इस लाइन पे हम चल रहे हैं, ये वाली लाइन, ये लाइन चाहिए कारों की, वो वाली लाइन तो चाहिए नहीं उस साइड वाली, तो दो लाइनें हैं उनमें, लास्ट वाली लाइन ट्रक वालों की चाहिए, वो तो जिस लाइनों में कारें जा रही है ना उस लाइन में ट्रक की लाइन हो तो ट्रक अपनी साइड में चलता रहता है आराम से, क्योंकि इस साइड में डर लगता है, लोड गाड़ी होती है किनारा कोई बैठ जाता है टूट जाता है, जैसे ये देखो ओवरलोड गाड़ी है, जैसे हमारी जो गाड़ियाँ हैं तो जैसे तो ये टूटने का डर रहता है, इस साइड में चलेंगे बैठने का ज़्यादा डर रहता है मिट्टी, इसलिए वो वाली लाइन बढ़िया रहती है ट्रक वालों के लिए, देख सकते हो इस साइड में बस जा रही है वो सबसे बढ़िया लाइन, आराम से एक साइड में चलता रहता है ड्राइवर और दूसरा बंदा सो भी सकता है, अगर इन लाइनों में चलना हो तो बहुत दिक्कत रहती है, किल कांटा जो भी है जितने भी किल कांटे हैं सारे साइड में आ जाते हैं, किल कांटा जितना भी होता है सारा साइड में चला जाता है गाड़ी के, हवा के साथ, टायरों की स्पीड के साथ, जब तो
टायर ज़्यादा उस साइड में चलने से ही पंचर होता है, जो लाइन हमें दी हुई है ट्रक वालों को उसी लाइन में चलने से टायर पंचर होता है। बाकी ये लाइन जहाँ सेंटर वाली लाइन दे देंगे ट्रक वाले को, तो जहाँ वो वाली साइड वाली राइट साइड वाली लेफ्ट साइड वाली नहीं है भाई, बढ़िया नहीं है, वो दिक्कत होती है। दवाना तरबूज काटा था हमने, तो दिया आगे पकड़ाया हमने, खाओ भाई आप भी, इसको ही पकड़ाया। बहुत डरता है भाई मालिक से, क्या बताएं आपको, बहुत ज़्यादा क्या होता है, बोलता मालिक मैंने गाड़ी छोड़नी है, ड्राइवर है ना, बोलता मैंने गाड़ी छोड़नी है, लेकिन मेरा मालिक बोलता तू जम्मूगा तेरा कड़ैपा लगाऊंगा, तो बोलता भी कोई पता नहीं मेरे को जम्मू जाके मारेगा, तो मैं क्यों मारेगा तेरे को, बोलता मैंने बोला गाड़ी जोड़नी है, इसलिए ऐसे ऐसे बंदे भी हैं यार, लातों के खुद बातों से नहीं मानते ना, बोलते हैं इनको पढ़ती रहे तो ठीक रहते हैं यार, अगर हमारी तरह सर पे चढ़ा दोगे तो फिर काम खराब हो जाता है, फिर हमारी आप शराबत का फायदा उठाते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं बोलते किसी को कुछ, बोलते हैं चलो यार क्या बोलना है, बाहर गए हैं वही होता है, उसमें सारा आदमी के साथ साथ में गाड़ी चला रहा होता, वैसे मालिक भी अब ये तो मालिक साथ में नहीं है, देखो फिर भी कितना फोन में ही बोल रहा था तो डर रहा था, तो हमारे साथ में खाना पीना बढ़िया हर एक चीज़ बढ़िया मिलती है, तो बातें आती हैं इनको ज़्यादा, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास कौन था, इनको कम तनख्वाह मिलती है, अब ये भागा है तो इसको कौन सा कम तनख्वाह मिलती थी, 27,000 रुपया तनख्वाह लेता था, 2,000 रुपया 4,000 रुपया चक्कर का पैसा था उसका, ट्रिप का 3 चक्कर लगाता था सिलीगुड़ी के, 3 चक्कर लगाता था, 4,000 रुपया पैसा था ट्रिप का, 2,000 रुपया इधर से जाने का, 7,000 रुपया देता था उसको मैं टप्पू को। साथ आ गया रास्ता अम्बाला कैंट का, जगाधरी अम्बाला कैंट चंडीगढ़ सीधा, और ये अम्बाला कैंट सिटी नीचे में, और चंडीगढ़ के लिए भी इधर से ही जाती है एक रास्ता, इधर से भी जाता है, बहुत रास्ते हैं चंडीगढ़ के लिए भी, लेकिन ये आ गया अम्बाला कैंट, ये स्टेशन आ गया, ये देखो स्टेशन, और ये रास्ता पे लगी हुई है ट्रेनें, जो पहले पुरानी ट्रेनें होती थी ना वो बहुत ही प्यारी लगती है, वैसे लगी हुई है वहाँ पे, कहीं पे लगी है देखने के लिए, और कहीं पे नहीं मिलती देखने के लिए, यहाँ इस शहर में जाओ तो बाहर ही लगती है देखने के, कभी आओ तो ज़रूर देखो बच्चों के साथ, पुराने टाइम की जब अंग्रेज़ों के टाइम की ट्रेनें जब अंग्रेज़ों ने, यहाँ से अंदर होना पड़ता है, यहाँ से अंदर हो गए, ये बाहर वाला मेन रोड चला गया, और ये अपना डेरावासी के लिए ये रोड जाता है भाई, जब आओगे तो मेरे को थोड़ा दिखाने जियालपुर के दिखाने के लिए, मैं तो पीछे से स्टार्टिंग से आपको दिखाता, ये ब्रिज है पीछे में ना वो बना हुआ है, धनुष बना हुआ है, 3 कमान बना हुआ है रोड के बीच में, और एक शंख वगैरह बना हुआ है, तो वो दिखे उसके साथ में ही लेफ्ट साइड में सर्विस लाइन दिखेगी आपको, ये आ गया रोड चंडीगढ़ वाला शिमला चंडीगढ़, रास्ता तो बहुत बढ़िया बढ़िया ये वाला, इस साइड से बस फर्क पड़ता है 20 किलोमीटर का, 20 से 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है हमें यहाँ से इस साइड से, और एक टोल पड़ जाता है वो बाले वाला भी पड़ जाता है वैसे, और ये पर्ची भी छोटी है ऐसी बात नहीं, जो टोल है ये चल रहे हैं अभी, अभी टाइम हुआ है 7:43 हुए हैं, तो देखते हैं कितने बजे तक बाहर राजपुरा वाले चौक पे पहुँचते हैं, काफ़ी बढ़िया सिटी है इधर साइड में, बड़ी सिटी है, ज़्यादा तो सरकार को ही बोलेंगे क्योंकि सरकार ने परेशान किया हुआ हमें, किसानों ने तो नहीं किया हुआ, अगर
सरकार मान जाए तो किसान घर चले जाते हैं, लेकिन सरकार मानती नहीं है। वो तो किसान इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनका भी दिल नहीं करता यहाँ पे बैठने का, उनका भी मन नहीं करता। वो भी बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं घर पे, कुछ तो बूढ़े बुजुर्ग हैं बेचारे जो अपने पोती पोता सब छोड़ के आए हुए हैं वहाँ पे घर में रहने के, अब सुख लेने का बारी है उनका तो, लेकिन वो बाहर में खज्जल हो रहे हैं अभी, बाहर बैठे हुए हैं धरने में। इसलिए सरकार को भी चाहिए किसानों की बातें माननी, जल्दी हल करना चाहिए क्योंकि पब्लिक परेशान ना हो और किसान परेशान ना हो। चलो हमारा क्या, हम तो चलो 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी घूम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम खड़े हैं साथ में किसानों के साथ में, हम गाड़ी वाले जब भी ज़रूरत पड़ेगी किसानों को, हम चक्का भी जाम कर सकते हैं, चक्का जाम करेंगे पूरा। अगर एक बार भी हमें बोल देंगे किसान भाई हाँ भाई गाड़ियाँ बंद करनी है, चक्का जाम करना है, हम वो भी करने को तैयार हैं। खाली सिर्फ क्या होता है, हमें हुक्म आना चाहिए, ये आगे चलने वाला होना चाहिए हमारे, हाँ भाई बढ़ो आगे हम आपके साथ में हैं। कोई बात होती है कुछ भी होता है तो पीछे आपके घर वालों को देखने वाले हम हैं, ध्यान रखने वाले हम हैं। चलो अभी चल रहे हैं, जा रहे हैं, दिखाते आगे का रास्ता भी आपको। देखो ये नदी है, यहाँ पे तरबूज लगा हुआ है काफ़ी, काफ़ी बड़ी नदी है ये, और तरबूज वगैरह बहुत ज़्यादा लगाते हैं नदी के किनारे में, क्योंकि जो ज़मीन होती है ना वो रेता वाली होती है, बालू वाली, तो उससे क्या होता है बढ़िया ज़्यादा फसल होती है तरबूज की। और तरबूज का एक चीज़ और बताऊँगा आपको मैं, ये एक ही बार बेल में फल पड़ता है, दूसरी बार नहीं पड़ता। जब एक ही बार में पड़ गया फल तो दूसरी बार में ही पड़ेगा। ये आगे अभी आ जाएगा जीरकपुर जाने वाला रास्ता, तो एयरपोर्ट सीधा चले जाओगे तो एयरपोर्ट चले जाओगे, बाकी जीरकपुर जाएगा राइट साइड में, हमने जाना है लेफ्ट साइड में पटियाला वाली साइड में, रायपुरा साइड में, तो वो सामने आगे चौक है, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेंगे यहाँ से मार्बल के नाम है भाई पटियाला के लिए, रायपुरा के लिए हम लेंगे लेफ्ट को, बाकी इस साइड में चला गया जीरकपुर, चंडीगढ़, चंडीगढ़ सारा यही उधर से जहाँ से हमने पहले घूम के आगे वहाँ से भी जाता है, तो यहाँ से भी जाता है भाई। ट्रैक्टर देखो भाई 855 है, डबल टैरी, डबल टायर है। हम रुके थे यहाँ पे मल्तानी होटल के ऊपर, तो हमारा हो गया था टायर पंचर, किल लग गया यहाँ पे, अंदर गाड़ी घुसा रहे थे, वहाँ से गाड़ी घुसा रहे थे, घुसाते हुए ही किल लग गया था इसमें, तो किल निकाला हमने, किल निकाल के तो फिर हमने दिया टायर पंचर लगाने के लिए। सामने दुकान है तो पंचर लगवा रहे हैं, ये सामने मुल्तानी ढाबा, पुराना ढाबा है, एक इस साइड में है एक उस साइड में है। तो अभी हमने तो नहा लिए हैं, क्या चक्कर हो गया, क्या हो गया उस जी फिट नहीं हो रहा, हाँ जी गुट्टी करके है। अच्छा उत्थे पीस रख देना ही रबड़ का बाहरली साइड, चलो फिलहाल चलाओ फिर देखेंगे। हाँ जी हाँ हवा भी किन्नी होंगी नैले नजार, हाँ घट कर दो 40 कर दो ठीक। हाँ वेखो भाई जुत्तियाँ की दुकान है, जुत्तियाँ भी है, मुल्तानी होटल से रुकोगे वधिया रकाबी लैओ उतू अपना, लेडीज रकाबी जेंट्स बच्चों लिए सारे लिए मिलेगी तुहानू। हो गया टायर पंचर लग गया हमारा टायर को, तो अभी हम फिट करने लगे हैं टायर, अल्लाह खुला
टायर फिट कर रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे इतनी लंबी पाइप नहीं थी कि यहाँ पे पहुँच सकती। लेकिन एक चीज़ हमने नोट की है, टायर के ये जो नट हैं खुलवा लो मशीन से, लेकिन जब टाइट कर रहे हैं ना खुद टाइट करो मेरे भाई, खुलते नहीं है यार, बहुत परेशानी बहुत दिक्कत होती है। तीन बंदे लगे तो जाकर फिर ये नट खुले थे, तीन बंदे लग कर नटों को खोला था, अकेला आदमी नहीं खोल सकता इसको, इसलिए जो है मेरी राय है मेरी बात मानने को ही तो सर राह लला अपनी तो ठीक है महाराज, ओके उस्ताद जी जाओ ते अब खुद ही टाइट करेंगे हम जितने भी नटों के मगर टायर वगैरह खोले करेंगे, नटों होंगे हमारे सभी हाथ से ही टायर करेंगे, अपना जितने भी नट हैं हमारे सारे टायरों के खुलवा कर एक बार मशीनों से खुलवा कर तो फिर ये करेंगे खुद से टाइट करेंगे के तो खुद टाइट करेंगे खुलवा कर खुद टाइट करेंगे तो साथ जी टाइट कर रहे हैं भाई इसका, इसने आगे जाना जलंधर, उधर से घुमा के गाड़ी लानी वापस, पता नहीं डाइन का क्या लफड़ा रही बोलता बिजली का चक्कर आ गई। ये सरंद मार्केट शुरू हो जाती है भाई, दोनों साइड में गाड़ियां बनना शुरू हो जाती हैं, इस साइड में भी गाड़ियां बननी शुरू है, ये देखो इस साइड में पूरा गाड़ियों के बड़े बड़े आते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं यहाँ पे, और एक अंदर लगी हुई हैं गाड़ियाँ, और इस साइड में भी हैं, और हमारे वाली कहाँ पे बनी थी गाड़ी वो तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी चलते चलते दिखाएंगे आपको, करतार की वर्कशॉप दिखाएंगे जो आज फेमस है आज के टाइम में, आज तक जो चल रही फेमस चल रही है, इसके बाद ज़्यादा गाड़ी निकलती है बनती है वो भी दिखाएंगे आपको, करतार की वर्कशॉप, और हमारे वाली उसके साथ में ही है यहाँ पे हमने बनवाई है, नीचे में भी वर्कशॉपें हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं सारी तो आप, ये पूरा ही रंध देखो भाई, इधर भी बाड़ियाँ बन रही हैं सारे मगर बाड़ी वाले ही हैं, और इस साइड में ड्राइवर साइड में देखना भाई आपको दिखाते हैं करदार वाले, थोड़ी स्लो करेंगे गाड़ी क्योंकि हाईवे है, गाड़ी स्लो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं पीछे, पर रोक तो बिल्कुल नहीं सकते गाड़ी हम, ये आ रही है साइड में, ये यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, टैंकर, ये सामने में इस साइड में देखो ये है लिखा हुआ करतार, करतार ट्रक बॉडी, और सामने और हमारे वाली वो बीच में है, और एक पेड़ के बैक साइड में लगा, और माड़ा देखना अपने, ये माड़े की वर्कशॉप है, ये सामने गाड़ी लगी हुई है अंदर माड़े की वर्कशॉप में, और इसकी वर्कशॉप के साथ में गली जाती है जो वही लखे के गैरेज को जाती है, और जो फेमस है आज मतलब जो ज़्यादा गाड़ी निकालता है सरंद में